Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज हम बना रहे हैं मटन सीख। बकरे का कीमा लिया है मैंने 1 kg और इसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे 3 मीडियम साइज ओनियन लिए है। इसको ग्रेट करके पूरा पानी निकाल देना है, स्क्वीज कर लेना है पानी इसमें से। नेक्स्ट रहेगा 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली क्रश, 1 टीस्पून रहेगा अजवाइन, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हैंडफुल ऑफ पुदीना एंड कोरिएंडर चॉप, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स होममेड है ये, और 1 मैगी क्यूब, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी हम लोग इसको मैरिनेट कर लेंगे। अजवाइन लेंगे, ऐसा इसको कर कर ऐड कर लेना। नेक्स्ट रहेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली क्रश और सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर लेना। जो हमने ओनियन स्क्वीज की थी वो भी ऐड कर लेना। कोरिएंडर और पुदीना ऐड कर लेना। ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हाथों की मदद से। 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए। अभी ना कोयले का बाफ दे देना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कोयले का स्मोक दे दीजिए, कवर कर लीजिए। चपटा कबाब का शेप देना है, उसमें ग्रिलिंग स्टिक या फिर आप वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों की मदद से इसको सीख का शेप दे देना है। ऐसे सीख बनाकर उसके बाद आपको फ्राई कर लेना है। सीख को मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। अलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। अमेजिंग सा सीख पराठा रेडी है। ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। मटन सीख है ये, और गेहूं का पराठे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना, और ग्रीन चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे प्याज और नींबू के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।